सब्सक्राइब कीजिए पियरलेस किचन चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो मेरे फूडी दोस्तों, कैसे हो आप सब? सबसे पहले हम ले लेंगे ब्रेड। मैंने यहाँ पे एक ब्रेड का स्लाइस ली है, इसको मैं काट के दिखा देती हूँ, बाद में मैं एक ही साथ में सारे काट लूँगी। सबसे पहले तो इसका जो किनारा है ना, इसे हमें काट के साइड में छोड़ देना है, फेंकना नहीं है। आप चाहो तो डॉगी को भी खिला सकते हो, या फिर इससे ना आप एक अच्छी सी ब्रेड क्रम्स बना सकते हो। थोड़ा सा आप सूखे कढ़ाई में सेक लेना, रोस्ट कर लेना, तो ये बहुत ही अच्छे ब्रेड क्रम्स बन जाती है। उसके बाद ना हम इसको इस तरीके से काटेंगे, हम छोटे छोटे क्यूब्स में काटेंगे। जैसा कि मैं काट रही हूँ, मैं यहाँ पे कैंची से काट रही हूँ, आप चाहो तो चाकू से भी काट सकते हो। बस इसके छोटे छोटे आप क्यूब्स बनाना, बिल्कुल इस तरीके से जैसा कि मैं कर रही हूँ। थंबनेल में देख के शायद आपको लगे कि इसे बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक छोटा सा वीडियो है दोस्तों, जैसा कि आप देख ही सकते हो, और इसे बनाना बहुत आसान है। तो मैंने ना इस तरीके से सारे ब्रेड्स को काट ली है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट हमें चाहिए चिकन। चिकन बोनलेस होना चाहिए। यहाँ पे मैंने 300 से 400 ग्राम तक का चिकन ली है। अच्छे से इसको धो लेना है और उसके बाद इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के एक मिक्सर के जार में डाल देना है। कभी कभार ना मिक्सर के ऊपर थोड़ा सा डिपेंड करता है दोस्तों, कभी कभी मिक्सर ना स्टॉप हो जाती है चिकन अगर आप अच्छे से नहीं काटते हो तो। उसके लिए मैंने चिकन को छोटे छोटे पीसेस में काट ली है ताकि हमारे मिक्सर के ऊपर कोई भी प्रेशर ना पड़े और ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, मैंने चिकन को भी अच्छे से ग्राइंड कर ली है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक बोल में। बोल थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए क्योंकि हम इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें डालने वाले हैं, तो सारे आ जाने चाहिए और इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर सके। तो इसके लिए आपको एक बड़े से बोल में इसको डाल देना है। उसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ कुछ सब्जियाँ। सब्जियाँ सारे बेसिक है। कुछ मैंने यहाँ पे कैप्सिकम ली है लेकिन बहुत बारीकी से आपको काटनी है। गाजर ली है जिसको मैंने बहुत बारीकी से काट ली है, और मैंने यहाँ पे थोड़े से प्याज ली है जिसको भी मैंने बहुत ही बारीकी से काटा है। प्याज को बारीक काटना है दोस्तों, इसको घिसना नहीं है। अगर आप इसको घिस देते हो तो प्याज में से ना उसका जो रस है वो निकल जाती है, तो प्याज को बारीकी से काटनी है। सारी चीज़ें अच्छे से डाल देने के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर एक छोटा चम्मच, नमक डाल देंगे एक छोटा चम्मच, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर डालनी है, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो इसको स्किप करना, थोड़ी सी विनीगर एक छोटा चम्मच, एक बड़े चम्मच सोया सॉस डाल देना डार्क वाली। उसके बाद आप इसमें डालना थोड़ी सी चीज़। चीज़ को मैंने यहाँ पे छोटे छोटे क्यूब्स में काट ली है, आप चाहो तो ऐसे भी इसको डाल सकते हो, लेकिन काट के डालने से होता क्या है, ये अच्छे से ना मिक्स हो जाती है। और उसके बाद सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेनी है, हाथों से मसलना नहीं है, बस इसको अच्छे से मिक्स करनी है इस तरीके से। वैसे तो मैरिनेट करने के बाद इसको ढक देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर आपके हाथ में बहुत सारा टाइम हो तो आप इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेशन पर रख सकते हो, लेकिन मैं तो इसे अभी बनाने वाली हूँ फटाफट। सबसे पहले तो आपको लेना है एक स्टिक और इसके ऊपर से ना इसको अच्छे से इस तरीके से कोट करनी है। अब ये जो स्टिक है ना, ये आसानी से मार्केट में मिल जाती है दोस्तों, अगर नहीं मिलती है तो ना आप इसको क्या कर सकते हो, आइसक्रीम का जो स्टिक होती है ना वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब आइसक्रीम का तो स्टिक तो वैसे भी मिल जाती है मार्केट में, और अगर फिर भी ना मिले तो आप जिनसे आइसक्रीम खरीदते हो ना, वो वाले अंकल को एक बार आप बताना, रिक्वेस्ट करना, वो आपको ज़रूर ला के देंगे। तो उसके बाद ना आपको इस तरीके से ब्रेड के जो क्यूब्स हैं उसके साथ अच्छे से कोट कर लेनी है, और हाथों से ना थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसको अच्छे से सेट कर देनी है, बिल्कुल इस तरीके से। ये देखो दिखने में भी कितनी अच्छी लग रही है ना। तो इसी तरीके से ना मैं बाकी के सारे भी अच्छे से बना लूँगी। इस तरीके से सबसे पहले हम स्टिक के ऊपर से कोट कर देंगे और उसके बाद हम इसको ब्रेड के साथ कोट करेंगे, और ब्रेड कहीं तेल में जाने के बाद बिखर ना जाए, खुल के बाहर ना आ जाए, इसके लिए हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो सके। इस तरीके से ना आप 3-4 एक ही साथ में रेडी कर लेना, उसके बाद आप इसको फ्राई करना। मेरे पास तो ये फ्राइंग पैन जो है ये थोड़े से बड़े हैं, इसलिए मैंने एक ही साथ में 3-4 डाल दी है। अगर आपका पैन जो है वो छोटा है तो आप एक या फिर दो एक ही साथ में फ्राई कर सकते हो। लेकिन मज़े की बात क्या है दोस्तों कि ये ना आप गर्मा गर्म खाओगे तभी जाके इसका जो मज़ा है वो आएगा, क्योंकि इसके अंदर चीज़ है। लेकिन इसको पलटते हुए फ्राई करनी है, बिल्कुल
मीडियम टू लो फ्लेम पे। ब्रेड जो होती है ना वो बहुत ही जल्दी डार्क कलर में आ जाती है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान में रखनी है। अंदर तक पकनी चाहिए लेकिन बाहर ये जलनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना। दिखने में लग रही होगी कि ये थोड़े से ज़्यादा फ्राई हो गए हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा ही आपको करनी है। कैमरे में ऐसा लग रहा है लेकिन सामने से ऐसा नहीं है। और इसी तरीके से ना मैं बाकी के सारे फ्राई कर लूँगी, और इसे ना गर्मा गर्म सर्व करने में और खाने में जो मज़ा है ना वो मैं आपको क्या बताऊँ। इसे खाने के लिए आपको कोई भी टमाटो केचप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी नहीं लगेगा, मेयोनीज़ का भी इस्तेमाल नहीं करनी होगी, सिर्फ ऐसे ही इसको खा जाना है। मैं ना आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर से कितने अच्छे से कुक्ड हुई है। बहुत ही अच्छी बनी है दोस्तों, इसे देखने में जितनी अच्छी लग रही है ना खाने में ना उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छा है। इसको घर पे एक बार ज़रूर बनाना दोस्तों, आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। और बना के ना मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके वाले कैसे बने हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को, ताकि इस तरह के वीडियोज़ में आपके साथ और भी शेयर कर सकूँ। और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ।